रूस और अमेरिका दोनों ही सुपर पावर देश हैं और इतिहास हमें बताता है कि या तो कोई देश रूस के साथ रह सकता है या फिर अमेरिका के साथ। कोई भी देश इंटरनेशनल अरेना में या तो रूस का समर्थन हासिल कर सकता है या फिर अमेरिका का। लेकिन भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो न सिर्फ रूस के साथ भी संबंध बनाए रखा है बल्कि अमेरिका के साथ भी अपने संबंध को मजबूत किया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसको यूनाइटेड नेशन में रूस और अमेरिका दोनों का ही साथ है। साथ ही साथ भारत दुनिया का पहला देश है जो रूस को भी अपना मित्र बताता है और साथ ही साथ अमेरिका को भी अपना मित्र देश बताता है। भारत न सिर्फ संबंध के मामले में बल्कि हथियार खरीदने के मामले में भी दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है। स्ट्रेटेजिक जानकारों का मानना है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत ने एक बहुत ही बढ़त हासिल किया है। एक तरफ रूस भारत को अपना करीबी मित्र देश बताता है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश बताता है। इसके साथ ही साथ भारत भी बिना कोई लाग लपेटी दुनिया में दोनों देशों के साथ मजबूत संबंधों को लेकर खुला ऐलान करता है और ऐसा करने वाला अभी दुनिया का एकमात्र देश भारत है। जानकारों का मानना है कि भारत ने विश्व मंच पर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाए रखा है। भारत ने अपने नरम और गरम दोनों ही राजनीतिक हथियारों को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। जहां एक तरफ रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिका की ओर से आए बयानों को भारत ने कड़े लफ्जों में उत्तर दिया, यानी अमेरिका के सामने भारत झुका नहीं बल्कि अमेरिका को भारत की जरूरतों को ध्यान रखने पर मजबूर किया। जहां एक ओर रूस से हथियार खरीदने पर चीन और तुर्की जैसे देशों को अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका अपनी प्रतिबंधों से बचाने के लिए अमेरिका में ही नए कानून बनाने में लगा हुआ है। फॉरेन पॉलिसी की जानकारों का मानना है कि भारत के बढ़ते प्रभाव के असर ही है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपने मतभेद भुला करके भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने में लगे हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन के खिलाफ भारत के कड़े रुख को देख करके दुनिया के देशों को भारत के प्रति अपने नज़रिया बदलने पर मजबूर किया है। चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत ने अपनी सीमा पर बलों की तैनाती किया है उसे देखते हुए अमेरिका भी अपने कानून में बदलाव करने में लगा है ताकि भारत को रूस से हथियार खरीदने के बावजूद छूट मिल सके जिससे भारत चीन से पूरी तरह से मुकाबला कर सके। तो देखा जाए अभी के दौर में भारत ने दुनिया के दो महाशक्तियों को अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है और दोनों ही देशों के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है।